दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जो है वो जैसा कि सब जानते हैं वहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं और हर कोई ये जानता है कि ये जो ट्राइब्स है ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो गेम्स इन स्पोर्ट्स हो, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो या कुछ भी हो। देखिए जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो है, एथलीट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट से हैं। मैरी कॉम का नाम हमने सुना है, नया नाम एक उसमें जुड़ करके आया है मीराबाई चानू का। इससे पहले जो है वो हिमा दास जो बहुत अच्छी रनर थी, एथलीट थी। ये ऐसे ही करके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, बहुत सारे एथलीट हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं और ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, हमें पता है कि लड़ाई के मैदान में भी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं द हेड हंटर्स, नागा रेजिमेंट के बारे में हमने सुना है, जो नागा फौजी है जो इंडियन आर्मी में सर्विस करते हैं। तो इसी तरह से बहुत कुछ नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा रॉ टैलेंट है, मतलब यहाँ के लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अभी देखिए मैं आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बंदे को शेयर करने वाला हूँ जिसके शायद 350 के करीब सब्सक्राइबर है। वो यूट्यूब में एक चैनल चलाता है, 350 के करीब उसके सब्सक्राइबर्स है, बोडो यूट्यूबर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। मैंने उसके वीडियो को देखा और मैं उसके वीडियो को देख करके देखता ही रह गया, मैं दंग रह गया कि वाओ इतनी अच्छी तरह से भी कोई काम कर सकता है। उसने स्पूफ बनाए हैं, क्या बनाया है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जिस बंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ मैं उसे पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने उसका वीडियो देखे। मैं जब यूट्यूब को सर्च कर रहा था, वैसे भी लोग जनरली यूट्यूब में आते हैं और वीडियोज वगैरह को जो देखते हैं ब्राउज करते हैं, तो मैं ब्राउज करते करते मेरे नज़र में एक वीडियो आ गया, जिस वीडियो को जब मैंने खोल के देखा तो यार कसम से मैं देखता ही रह गया। उसने बहुत अच्छी तरह से उसको बनाया है और आप अगर देखना चाहते हो ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों दोस्तों, देखा आपने ये जो है ये ऑंग बैक जो मूवी था, ऑंग बैक का रिक्रिएशन किया था और एक विलेज का लड़का, एक गांव का लड़का। देखिए जो ऑंग बैक का मूवी शूटिंग हुआ है उसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स को यूज़ किया गया होगा, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉप्स यूज़ हुए होंगे, बहुत सारे मतलब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया गया होगा। लेकिन ये जो लड़कों ने इसको शूट किया है ये गाँव में शूट किया है और गांव की एक देखिए आप वो बम्बू जो मतलब बम्बू का जो प्लांट होता है ना उसके सामने मतलब इसको शूट किया गया है। तो कितना रिस्की था ये सब करना, लेकिन उन लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से निभाया है, बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से किया है। और सब्सक्राइबर्स इसके पास कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो में 1.4 और सब्सक्राइबर्स कितने हैं करीब 300-350। मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है उनकी कद्र बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग उनके वीडियोस को देखते हैं। तो ऐसे लोगों को देखिए इनके पोजीशन से उठाकर इन्हें ऊपर लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो हमारे लिए हमारे सामने लेकर के आए। दोस्तों हम लोग को हमेशा ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स, छोटे छोटे क्रिएटर्स का साथ देना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे खूबसूरत से वीडियोज़ हमारे लिए बना करके लेके आते हैं। देखिए मैंने जैसा पहले भी बताया अपने वीडियो उसमें कि किसी को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, देखिए इससे हमारा पैसा नहीं जाता है लेकिन
मीनवाइल क्या होता है कि जब भी हम यूट्यूब में आते हैं तो यूट्यूब में उनके कंटेंट्स को देख करके हमारा टाइम पास हो जाता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूब में कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो ये सब देख करके वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिल सकता है, उनको ये नॉलेज मिल सकता है कि ओ इस तरह के वीडियोज़ भी हम बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो भाई, हम मंदिरों में चले जाते हैं, मस्जिदों में चले जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में चले जाते हैं, वहां जाकर के प्रे करते हैं, हे भगवान हमें तरक्की दे दो, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब देखो, अगर कोई जिसके पास सब्सक्राइबर्स नहीं है तो हम सोच लेते हैं कि भाई इसे क्या सब्सक्राइब करना, इसके पास तो सब्सक्राइबर ही नहीं। भाई जिसके पास नहीं है उसे सब्सक्राइब करो ना यार, तब क्या होगा भाई, वो भी थोड़ा ग्रो करेगा, वो भी आगे जाएगा और जाकर के भाई अपने लिए कुछ कर पाएगा, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर के आ पाएगा। तो ये हम नहीं करते। अब देखिए, मेहनत की जैसा मैं बात कर रहा था, ये जो क्रिएटर है जिन्होंने ये वीडियो बनाया था, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। उन्होंने उस वीडियो के लास्ट में वो दिखाया है कि उन्होंने कितने बार वो उसको शूट करते हुए फेल हुए हैं, आप देख लो एक बार। तो देखा आपने, वो बार बार उसको शूट करते वक्त फेल भी हो रहे हैं लेकिन फिर रीअटेम्प्ट कर रहे हैं। किसी के देखिए पाँव में उसके पाँव में अपने पाँव को रख करके, चेस्ट में पाँव को रख करके फिर रोल करना, जंप करना, ये इतना आसान नहीं होता है, हर कोई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये सब टैलेंट है जो नॉर्थ ईस्ट के लड़कों में बहुत ज़्यादा है और इन लड़कों को सपोर्ट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ही है, जो मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि देखो भाई, अपने यहाँ के लोकल जो क्रिएटर्स है उनको आपने हमेशा आगे बढ़ाना है। जब आप उनको आगे बढ़ाएंगे तो भाई अपने जो यहाँ के और लड़के हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो कुछ करे। और देखो भाई, जो समस्या वगैरह बहुत सारी उत्पन्न होती है ना, हम अक्सर बोलते हैं कि जो हमारे ट्राइब्स है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको देखा नहीं जाता है, गवर्नमेंट वगैरह इतना नहीं देखती। तो अगर उनको हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें, एक दूसरे का हेल्प करके उन्हें आगे लेकर के चला जाएं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, उनके वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि उनके वीडियोस में और सब्सक्राइबर्स आ जाए। तो इस तरह से अगर हम अपने ही लड़कों के साथ करेंगे तो वो भी अपने लिए कुछ अर्न कर पाएंगे, कुछ इनकम कर पाएंगे और उनका फैमिली भी अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रे करते हैं हम चर्च वगैरह में जाकर के, भगवान कुछ बना दो, लेकिन इंसानियत वाला काम नहीं करते हैं। तो भाई ये जो काम है ना, एक दूसरे की मदद करके उसे अर्निंग का सोर्स देना, उसे इनकम करने का सोर्स देखना, उसके लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर देना, उसके परिवार को चलने के लिए हमें साथ दे देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो है ना, ये असली इंसानियत होती है, ये असली हेल्प होती है दोस्तों। तो ये आपको जरूर करना है। इनके वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इनका चैनल का लिंक दे देता हूं। जैसा कि मैंने बोला, 300-350 सब्सक्राइबर हैं इनके और इनको हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग चाहे तो इन्हें हेल्प कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ये भी बोडोलैंड के बोडो यूट्यूबर है और इन्हें हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बोला, इनके जो चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जाइए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, इनके वीडियोस को शेयर कीजिए। दोस्तों हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, आप लोग बहुत आगे जाएंगे। अभी चलता हूं दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।